वेलकम टू भाई की भराई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। तो आज की हमारी मूवी है मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। वैसे मेरा मानना है कि दूसरों की निजी जिंदगी में दखल देना बुरी बात है, पर अब क्या कर सकते हैं, सिलेबस में है तो अब दखल तो देनी ही पड़ेगी। तो इस चैप्टर के लेखक हैं धर्मवीर भारती। याद ना रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि संचयन से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स से नीचे तो सवाल ही नहीं पूछते। और हाँ, एक चीज और बता दूं, इस मूवी में हमने 2 इंटरवल रखे हैं तुम्हारी सुविधा के लिए, तो बाथरूम वगैरह जाना हो तो उन 2 इंटरवल में जाना। तो हमारे लेखक ही इस मूवी के हीरो हैं। तो भारती हॉस्पिटल में मौत का खेल खेल रहा था, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। 3-3 जबरदस्त हार्ट अटैक आए थे, पल्स बंद, सांस बंद, धड़कन बंद। डॉक्टर ने भारती को मरा घोषित कर दिया, पर डॉक्टर बुजर्स ने हार नहीं मानी, उसको 900 वोल्ट्स के झटके दिए। भाई साहब, 900 वोल्ट बहुत ज्यादा होता है, अगर यकीन नहीं होता तो कभी लगवा के देखना, हवा में ऐसे उछलोगे ना, हाई जंप के सारे रिकॉर्ड तोड़ दोगे। तो फिर क्या हुआ, भारती के शरीर में अभी भी थोड़े से प्राण बचे हुए थे, तो शॉक देने से हार्ट रिवाइव हो गया, मतलब दिल फिर धड़कने लगा। पर शॉक के कारण से 60% हार्ट हमेशा के लिए खराब हो गया, पर पॉजिटिव साइड तो देखो, 40% हार्ट अभी भी बचा हुआ था। भाई मरने से तो अच्छा है ना। तो अब ओपन हार्ट सर्जरी करनी थी, पर सर्जरी करने से डॉक्टरों की फट रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ऑपरेशन के बाद हार्ट रिवाइव नहीं हुआ तो। फिर डॉक्टरों ने कुछ एक्सपर्ट की एडवाइस ली और ऑपरेशन कैंसिल कर दिया। तो भारती को घर भेज दिया। भारती कोई लड़की नहीं है, हमारे लेखक ही हैं, धर्मवीर भारती। कहीं मैं चैप्टर पढ़ाए जा रहा हूं और तुम सोच रहे हो यार ये भारती कौन है। तो लेखक अधमरी हालत में घर वापस चले जाते हैं और बेडरूम में ना रहकर अपने किताबों वाले कमरे में रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी जान बस अब इन किताबों में है। वो बेड पर लेटे रहते थे, ना चलना, ना बोलना, ना पढ़ना, बस किताबों को देखते रहना। अब दोस्तों, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। लेखक फिर अपने फ्लैशबैक में चला जाता है और अपने जवानी के दिन याद करता है। तो आओ उनके फ्लैशबैक की कहानी सुनते हैं, कैसे उन्हें किताबों से मोहब्बत हो गई। बचपन की बात है, लेखक के पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और उनकी अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी, पर गांधी जी के बुलावे पर उन्होंने वो सरकारी नौकरी छोड़ दी। भाई सरकारी नौकरी छोड़ दी, और सरकारी नौकरी की वैल्यू तो तुम जानते ही होगे। और इससे मुझे एक जोक भी याद आ गया। एक बार सुंदर पिचाई की माँ का इंटरव्यू हो रहा था, जर्नलिस्ट ने पूछा, आंटी आपको कैसा लग रहा है, आपका बेटा गूगल का CEO बन गया है। आंटी बोली, ठीक ही है, पर थोड़ा सा और पढ़ लेता तो सरकारी नौकरी लग जाती। जब लेखक के पिता ने सरकारी नौकरी छोड़ दी तो उनका परिवार आर्थिक कष्टों से गुजरने लगा, मतलब घर में पैसे की कमी पड़ गई, पर उनके मैगजीन के सब्सक्रिप्शन चलते रहे। और तुमने सब्सक्राइब कर दिया कि नहीं, हाँ कर दो। तो उनके घर पर पत्रिकाएं आती थी टाइम टू टाइम, उनमें से कुछ पत्रिकाएं थी आर्य मित्र साप्ताहिक, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं यानी चिल्ड्रंस मैगजीन आती थी, बाल सखा और चमचम। इन बाल पत्रिकाओं में परियों,
और राजकुमारी वाली कहानी आती थी यार, वैसे मुझे भी याद आ रहा है, बचपन में मैं चंपक पढ़ता था। लेखक हर समय यही कहानियां पढ़ते रहते थे। लोग खाना खाते वक्त टीवी देखते हैं, पर लेखक खाना खाते वक्त मैगजीन पढ़ता था। लेखक का इनसे भी मन नहीं भरा तो फिर उसने बाकी मैगजीन्स पढ़ना चालू कर दिया, जैसे सरस्वती और आर्यमित्र, जिनका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। भाई लोगों की फेवरेट हीरोइन होती है, फेवरेट कार होती है, पर लेखक की फेवरेट बुक थी, और वो थी स्वामी दयानंद की बायोग्राफी। कुछ सोच रहे होंगे, कौन है ये स्वामी दयानंद? भाई ये वही है जिसने आर्य समाज बनाया था और 8th क्लास में हिस्ट्री का सिलेबस बढ़ाया था। तो लेखक को स्वामी दयानंद की लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग लगी। छोटी ही उम्र में घर छोड़कर भाग जाना, जंगल में रहना, बाद में उन प्रथा को खत्म करना जो समाज और मनुष्यता के खिलाफ है, जैसे चाइल्ड मैरिज उन्होंने बंद करवाई। लेखक को पढ़ना और भी अच्छा लगने लगा। तो आगे क्या होता है ये देखेंगे हम एक छोटे से इंटरवल के बाद। इतने मैं भी चाचा चौधरी की कॉमिक्स पढ़ के आता हूं।